पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन के साझेदार के तौर पर भारत में जरूरतमंद वर्ग में 600 से अधिक बच्चों के दिल के ऑपरेशन में सहयोग कर रही है। ये ऑपरेशन भारत में सत्य साई संजीवनी अस्पताल में किए जाएंगे, जिसने हाल में 2012 से लेकर अब तक 10,000 मुफ्त ऑपरेशन करने का कीर्तिमान बनाया था। इनमें से 400 ऑपरेशन के लिए हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन ने धन मुहैया कराया था। इनमें से 34 ऑपरेशन के लिए विशेष तौर पर गावस्कर ने धन दिया था। गावस्कर ने कहा कि भारत में बच्चों के दिल के मुफ्त ऑपरेशन में सहयोग करने के लिए अमेरिका में कई शहरों का दौरा एक शानदार आगाज रहा। विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए मैं आभारी हूँ। हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री निवास ने कहा कि ये दुख की बात है कि करीब 36,000 बच्चे पंजीकृत हैं और अभी भी कई बच्चे इलाज का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिना उपचार के छोड़ दिया जाए तो कई बच्चे जी तक नहीं पाएंगे। पिछले महीने हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन ने फ्रीडम फॉर CHD लॉन्च किया था और जागरूकता फैलाने और दिल की मुफ्त सर्जरी के लिए कई शहरों का बैट फॉर लाइफ टाइटल से दौरा शुरू किया था। इस दौरे को न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया जैसे कई बड़े शहरों से अच्छा सहयोग मिला। जरूरतमंद लोगों को जीवन का उपहार देने के लिए गावस्कर ने उनके साथ बल्लेबाजी करने की चाहत रखने वाले लोगों के बैट पर साइन भी किए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।